हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुहिन, टेक्निकल सर्विस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास आज एक एलीट i20 आया जिसका एसी काम नहीं कर रहा है। मैं गाड़ी को रिसीव किया और चेक करने के बाद पता चला कि इसका जो गैस है, गैस सिस्टम में सही है, इलेक्ट्रिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, फिर भी एसी काम नहीं कर रहा है। एसी का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में वोल्टेज जा रहा है, फिर भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं दोस्तों ये बताता हूँ कि ये जो एलीट i20 है, इस एलीट i20 का जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर रिपेयर किया जा सकता है। इस टाइप का जितने भी सारे गाड़ी है, जैसे कि एलीट i20, क्रेटा, एलेंट्रा, भारना, ये जितने भी सारे गाड़ी है, इस गाड़ी का जो कंप्रेसर का वाल्व होता है, जैसे इसको कहता है कि ECV वाल्व, तो इस वाल्व को आप चेंज करने से आपका कंप्रेसर रिपेयर हो सकता है और आपका कंप्रेसर काम करना भी चालू कर देगा। तो आइए दोस्तों, इस वाल्व को पहले चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि गाड़ी में कूलिंग हो रहा है या नहीं। दोस्तों, मैं इसी वाल्व को चेंज करने के लिए पहले इसका जो सिस्टम है, सिस्टम से गैस को निकाल लिया और जो अंडर कवर है, अंडर कवर को भी खोल लिया। तो पहले काबला को खोल दिया और उसके बाद यहाँ पे एक लॉक रहता है, उस लॉक को खोलने से ही आपका जो ECV वाल्व है कंप्रेसर का, ये निकल आएगा बाहर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हो गया। ये इस टाइप का लॉक होता है एक, दोस्तों ये होता है ECV वाल्व जो कंप्रेसर में रहता है, और अक्सर ये वाल्व ही ख़राब हो जाता है। तो ये वाल्व को चेंज कर देने से आपका ये जो एसी का प्रॉब्लम हो रहा था, कंप्रेसर नहीं एंगेज हो रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसमें नया वाल्व लगा देते हैं। ये इजी होता है बहुत ही, फिर चाप देने से और लॉक कर देने से ही आपका ये हो गया। अब लॉक को लगा देते हैं, इजी है, हो गया। अब सिस्टम में गैस डाल देते हैं और गैस डालने के बाद एसी चला के देखते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी में जो एसी का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, एसी ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।